नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो वीडियो में बात करेंगे HPSSC की वैकेंसी 2022 के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आपको बताया जाएगा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, अलाइड सर्विसेज की, पटवारी की, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है, और साथ में आपकी पंचायत सचिव यानी पंचायत सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो 30 पद हैं, इसमें से जो 28 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसे जो है सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। तो अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अलाइड सर्विसेज के लिए क्या अपडेट है, पटवारी के लिए क्या अपडेट है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या अपडेट है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दे जैसे आप हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं हम HP पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2022 के बारे में। तो देखिए 30 पद जो है इसके लिए जो है सरकार ने मंजूर किए हैं, जिसमें से 20 जो है वो मेल और 10 जो है वो फीमेल के लिए इसमें जो है अप्रूव किए गए हैं। अब देखिए इसमें भर्ती जो है वो कब आएगी, वैकेंसी अप्रूव तो हो गई है, अब जो भी अपकमिंग आपकी नोटिफिकेशन आएगी HPSSC की तरफ से उसमें जो है आपका ये जो अपडेट है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इन जिस भी वैकेंसी का मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये अपडेट हम इसलिए देते हैं ताकि अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जो है और अच्छे ढंग से और अच्छे एफर्ट्स लगा के उसे जो है शुरू कर दे और ज़्यादा करना शुरू कर दे। सबसे पहले बात करी हमने सब इंस्पेक्टर की, तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं अब आपका अलाइड सर्विस की। तो देखिए अलाइड सर्विसेज की मैं बात करूंगा तो अलाइड सर्विसेज की जो वैकेंसी है वो आपकी आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये वैकेंसी जो है कुछ समय पहले आ जाएगी, जब आनी चाहिए थी, जब NT की आई थी, लेकिन सरकार के, अब आपको पता है सरकार पे सब कुछ है, जो भी वैकेंसी अपडेट जो है उन्होंने अप्रूव करनी है सब कुछ डिपेंड जो है सरकार पर है। NTV की वैकेंसी जब अप्रूव हुई तो उसी समय अंदेशा था कि अलाइड की भी आएगी, लेकिन इसमें अब डिले हुआ है। तो अब आपको पता है कि इलेक्शन ईयर जो है हिमाचल में है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को इस साल मिलेंगे। तो काफ़ी सुनहरी मौका है सभी के लिए अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अलाइड सर्विसेज की वैकेंसी जो है आपको नवंबर और दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। देखिए HPSSC क्या करता है, कभी भी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो है वो नोटिफिकेशन नहीं निकालता है। जब भी नोटिफिकेशन निकलती है तो वेरियस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी जो है वो इकट्ठी निकलती है। तो अब जब भी आपकी आगे जो वैकेंसी आएगी HPSSC हमीरपुर की तरफ से, उसमें आपको जो है सब इंस्पेक्टर की, साथ में JOIT की होंगी, क्लर्क की कुछ वैकेंसीज होंगी, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो साथ में हमने अलाइड सर्विसेज की बात करी, तो अलाइड सर्विसेज की आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी आपके नवंबर या दिसंबर मंथ में। उसके बाद बात करते हैं हम पटवारी की। तो देखिए पटवारी का आप सभी को काफी लंबे समय से इंतजार है, जो भी हमारी प्लेलिस्ट चेक करता है, वीडियोस प्रीवियस वीडियो को देखते हैं, उनका सबसे पहला कमेंट यही होता है कि क्या सर इस साल जो है पटवारी की वैकेंसी आएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, फील्ड में कितने खाली पद पड़े हैं, राजस्व विभाग ने मांगी रिपोर्ट। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कमेंट कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर जो इसमें लिखा है कि 2026 तक कितने पटवारी जो है वो रिटायर होंगे या इससे जुड़ा हुआ क्या जो है इशू है। तो देखिए मैं बता दूं कि 2026 में जो है उस 2026 तक कितने पटवारी रिटायर होंगे इसकी रिपोर्ट मांगी है, उस हिसाब से जो है आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी पद खाली होंगे उसके हिसाब से जो है सरकार को फाइल भेजी जाएगी और कितने पदों पर सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी वही जो है देखने वाली बात यहां होगी। तो इस हिसाब से आपकी जो भर्ती है पटवारी की वो आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा तकनीकी सहायकों के भरे जाएंगे 1205 पद। तो तकनीकी सहायक के जो है वो आपके 1205 पद जो है वो भरे जाएंगे, इसके लिए भी जो है आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपने को देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है इसके 1205 पद भरे जाएंगे। उसके बाद बात करता हूं मैं, देखिए आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड है, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद भरने के लिए जो है वो पहल शुरू कर दी गई है। अब ये जो भर्ती है आपको फॉरेस्ट गार्ड की वो भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस भर्ती में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन जो भर्ती आपकी पक्का जो कंफर्म है जो आएंगी, उसमें से सबसे पहले आपकी अलाइड सर्विसेज है जो कि आपको जो है नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिलेगी, और आगे जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको आपका सब इंस्पेक्टर ऑफ HP पुलिस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ में JOIT के वेरियस पद रहेंगे, उसमें क्लर्क की वैकेंसीज रहेंगी। ये आपको
जो है बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो वैकेंसीज है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि इसमें अभी जो है सरकार पहले तो पटवारी के पद देखेगी, कितने जो है राजस्व विभाग को जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद सरकार को फाइल भेजी जाएगी, कितने पद मंजूर होते हैं उसके बाद ही जो है भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। लेकिन जो आपके तकनीकी सहायक है, आपका सब इंस्पेक्टर है, और आपको मैंने जो अलाइट सर्विसेज बताया, वो आपका जो है वो कन्फर्म पद जो है वो GOIT और क्लर्क के आएंगे। तो इस हिसाब से जो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, वो इस वीडियो में साझा किया है। अगर आपको किसी भी भर्ती पर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं coachinghome24 के नाम से, वहाँ पर आप हमें मैसेज जरूर कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह से आपको जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा और लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को जो है और अधिक उसमें जो है अपना हार्डवर्क करना शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।